हवेली में रखने के लिए थोड़ा ही है। क्या नाम है आपका? जैसे विजय नारायण यादव सर। विजय नारायण जी, विजय नारायण जी, मास्क थैली में रखने के लिए नहीं है, हम लोग तो दूसरों को लगवाएंगे ना, पुलिस वाले हैं, अगर हम खुद नहीं लगाएंगे तो दूसरों को क्या मैसेज जाएगा, ऐसा नहीं करना। मैं लगा के सर लगाए रहते हैं, लगाए रहते हैं सर, आते हैं हमेशा, लगाए रखना है यहाँ भी बाहर भी, जरूरी है। आप ये होमगार्ड? जी सर, जी सर। ये सर मैंने बनवाया था अभी सर, पूरा बन नहीं पाया। आप सबके मास्क हैं जी, सब इसको लगा के रखा करें, ये दूर दिखाने के लिए थोड़े रखा नहीं जाए। अभी आ रहे हैं, अभी अभी आ रहे हैं वहाँ से ड्यूटी करके, ड्यूटी जा रहे हैं, जा रहे हैं तो मास्क लगा ले। आपके पास नहीं है, इनको मास्क दो, ले आओ भाई, इन्हें मास्क दो, खुला बता रहा हूँ। गाड़ी में मेरे गाड़ी कहीं पर भी डिब्बे को नहीं रखवा रहे और उनको उपलब्ध कराया करिए मकान सर, कभी सर थाने पर मास्क का, दीवार का डिस्पोजल मास्क है सर, ये चीज़ अतिरिक्त पड़ा है, वो कहीं भी ड्यूटी जा रहे हैं उनको आप रखवा दीजिए, क्योंकि ये लोग मुझे लगता है कि कहाँ कितने घर से आए होंगे ना, हम लोग अच्छा बाहर यहाँ अटैच है इस समय जी, ड्यूटी के लिए अटैच 15 जनवरी सर के लिए। मास्क दीजिए इनको, मास्क लीजिए, मास्क और लगाइए इसको, लगातार लगाए रखना, बाकी के पास है ये पुलिस वालों के, अपने नहीं सर, पुलिस वालों की पुलिस वालों की ये इनको लगा ली सर, जो चला जगह नहीं है सर, कंडीशन है इसको सही कंडीशन में तो रखवाइए। और आपका कहना है कि लावारिस है तो लावारिस कब से है, कब का है? इस पिछले महीने का नौ ग्यारह इक्कीस का। बाकी सर रेवड़ी तालाब चौकी पे गाड़ियां खड़ी हैं, माल खाने जो भी आपका माल है जो फाइनली डिस्पोजल लायक हो उसको समयबद्ध तरीके से करा दें। नीलामी की प्रक्रिया कितने दिन में होती है मकान सर, मतलब कितने दिन तक लावारिस माल आपका आपके पास है? सीओ साहब, लावारिस माल आपके पास है कितने दिन में डिस्पोजल होता है? 6 माह है या 3 माह है, जो भी नियम है उसको देख लीजिए और उतने तय समय सीमा में उसको निस्तारित करा दें। माल खाने का माल अनावश्यक पड़ा रहे कोई मतलब नहीं। हमारा CCTNS है, यहाँ CCTNS वाले हैं, है कौन मतलब है कोई CCTNS में कोई उपलब्धि नहीं है जो यहाँ का ऑफिस कमेटी में बुलाई थी। रमाकांत कब से है पोस्टिंग आपकी? 6 माह हो गए सर। 6 माह तो 6 माह में तो इतनी पकड़ होनी चाहिए कि स्टाफ के साथ साथ बाहरी भी क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति की जानकारी होगी। आई कार्यालय आपका इधर बैरक की क्या स्थिति है? बैरक सही कंडीशन में? हाँ सर, मतलब बैरक ऊपर भी है सर, बिल्डिंग तो मैं कंडक्ट हो गई है सर, ये बिल्डिंग कोई है नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे बैठे जब छोटे कमरे के रूप में ठीक है भाई। और ये इधर आइए, रमा काम यहाँ स्नान करते होंगे लोग, स्नान ही करते हैं, करते हैं नीचे यहाँ भी ना, ये काई इतनी जमी हुई है इसको तो साफ करवा दीजिए, यहाँ कोई स्लिप करके गिर जाएगा प्रवीण, कोई भी देखो स्लिप करके गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, इसको साफ सफाई करके थोड़ा सा खोजरा फर्श करा देंगे, स्लिप होने का चांस ना रहे, यहाँ सफाई करेंगे ठीक नहीं है, साफ सफाई की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? नीचे देखो पहले, इधर 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 नीचे कहाँ से पानी आ रहा? पानी ही है ना सड़ा हुआ, इसकी सफाई का एक इंतजाम हमेशा से लगातार साफ सुथरा है, क्या बना रखता है मतलब इस प्रकार के खाने को बना रहे हैं, नीचे इसी में कुर्सी आता जाता है, यही प्रयास के स्टाफ के सारे लोग हैं, इतनी गंदगी कर रहे हैं, आप लोग सिस्टम इसको देखो, गंदगी कतई नहीं रहनी चाहिए, हमें इनको भी वार्निंग दीजिए
गंदगी रखने का कोई मतलब नहीं है। ये है आपका ऑफिस, जमा करने आए हैं चुनाव को लेकर। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोग तो खुद जानते हैं आप। नहीं सर, जानकारी हुई आप, मैंने कहा कि मैं खुद ही लेकर जमा। आप तो खुद ही कभी जमा कराने की प्रक्रिया में रहे होंगे। ठीक सर। तो आप लोगों से ज्यादा मित्र कौन जाएंगे? बहुत क्या स्थिति है भाई चुनाव को लेकर के बताइए। असलहे कितने जमा हो गए? कितना संख्या कुल कितने हैं? इंस्पेक्टर साहब कितने असलहे हैं पूरे? पुराने जो लेटेस्ट फिगर है सर 1050 है सर। 1050 लेटेस्ट नियम चाहिए रजिस्टर के साथ और आप सुबह सर। ओके, कितने अब तक जमा हुए? जमा सर अभी 25 और 20 अब इसको गति दीजिए। ये गति नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा सबको सर। वो कराया जा रहा है एक दिन दो दिन नहीं, सबको टास्क दीजिए और अगर नहीं उसके बाद कर रहे हैं करने की कार्रवाई करें। रजिस्टर्स की क्या स्थिति है? एचएस कितने हैं? इसमें तो पूरी संख्या 97 दिख रही है, ये सही है? देखिए बहुत बहुत भ्रम की स्थिति है प्रवीण, उसको सही करिए। आप 82 बता रहे हैं, मुंशी जी 92 बता रहे हैं, आप 73 बता रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इतना कंफ्यूजन ठीक नहीं है, क्लियर करिए लिस्ट जो अपडेटेड लिस्ट हो। मान लीजिए कुछ लोग मर चुके होंगे, उनका बंद हो चुका होगा, किसी की निगरानी बंद हो चुकी होगी आप इसमें, तो ये सारी चीजें निकालते हुए जो करंट में एक्टिव है जो प्रचलित है वास्तव में 71 है सर। करंट में आपके समझ में 71 है, 12 बंद सुधा है सर, ऐसे मतलब 10 मतलब मृत्यु वाले हैं सर, यही सर सूची है सर। एग्जीक्यूटिव चौकी वाली की दिक्कत है, इंस्पेक्टर को अपडेट रहना चाहिए। 83 हुआ सर, और ये मतलब 10 आपके सर ये जिनकी मृत्यु हुई है सर, इनका कैंसिलेशन करा रहे हैं। जिनकी मृत्यु हो गई उनका आपको निगरानी कराना है, इनको छोड़ के 83 71 और 12 है। ये भ्रम नहीं होना चाहिए, जो रहे परफेक्ट रहे, इस सूची को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास भेजिए। अच्छा, इनके खिलाफ सबके क्या क्या चुनाव के लिए कार्रवाई की है? जितने एचएस रमाकांत सर 107-16 कार्रवाई 45 एचएस के खिलाफ हो गई है। 107-116 की कार्रवाई ही क्यों? 107-116 कार्रवाई सर गुंडा आता है, एचएस भी हुआ है सर। एचएस का एचएस कैसे होगा? नहीं गुंडा बनी गुंडा परवेज कादरी का गुंडा हुआ है सर। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, जो हिस्ट्री सीटर्स हैं जो एक्टिव हैं इनका चुनाव को लेकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनको करना क्या है जान लीजिए, आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो। करना ये है कि सबको 117 की कार्रवाई करना है, 107-116 नहीं 117, यानी एक्चुअल पाबंदी आप कराइए। दूसरे कुछ ऐसे होंगे उसमें जो हाइपर एक्टिव हों, लगातार क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनको आप क्या करेंगे? उनको गुंडा करिए, जिला बदर चुनाव के पहले कर दीजिए, आपका प्रोसेस करना है। उससे भी ज़्यादा अगर कोई हाइपरली एक्टिव है, पीछे की क्रिमिनल हिस्ट्री देखिए, वर्तमान समय का कोई क्राइम किए उनको देखते हुए गैंगस्टर कराइए,
मतलब आप उसी हिसाब से ग्रेविटी बढ़ाइए एचएस की, जिस हिसाब से वर्तमान समय में उनकी सक्रियता हो, ताकि चुनाव को लेकर के पूरी तरह से आपका एचएस पर और एक्टिव लिस्ट में जो अपराधी हैं उन पर कंट्रोल बना रहे। चुनाव रजिस्टर दिखाइए, लेकर के आइए आप चुनाव रजिस्टर आप जो रजिस्टर आराम से बैठ जाओ। क्या समस्या आ रहा है आपको? एफ आई आर की कॉपी देना है, इसलिए अभी प्रॉब्लम है। एफ आई आर हो गई है इनकी, कॉपी मिल गई? एफ आई आर हो गई है कि नहीं इनकी, देख करके इनको एफ आई आर की कॉपी देना। फीडबैक आपने कहीं भी लिखा है? क्या नाम है आपका? इसमें कहीं फीडबैक लिखा है? इधर देखिए, कहीं भी ये बहुत अदम्य तरीके से लिया गया है, इसमें कहीं फीडबैक नहीं है। पाँच दिसंबर मामला कोई फीडबैक नहीं। ये बहुत खराब स्थिति है। कहाँ है भाई? रमाकांत को बोले, रमाकांत गलत। रमाकांत आपको पता है कि महिला हेल्प डेस्क पर जो रजिस्टर रखा जाता है इसमें फीडबैक की जरूरत है? फीडबैक भरा जाता है, मालूम है? मालूम है ना, फिर भी नहीं भरा गया है। ये प्रतिदिन महिला हेल्प डेस्क के रजिस्टर को चेक करना आपका काम होता है, साप्ताहिक रूप से आपके यहाँ नया रजिस्टर बनाया था, पहले वाला चेक किया था। अरे नहीं नहीं, ये तो ये पहले का आपका कहना है, अभी नया बना है, पहले वाला नया बना है, अब तक 10 दिन तो हो गया ये भी, 10 दिन में एक दिन भी चेक नहीं हुआ, ये क्यों है? आपको किसने मना किया है करने से? इनको इसके लिए स्पष्टीकरण दिया गया क्यों डेली नहीं चेक करते? साप्ताहिक आपको चेक करना है, प्रतिदिन इनको प्राथमिकता में मिशन शक्ति आप जान रहे हो, जैसे शुरू हो रहा है सर्वोच्च प्राथमिकता में है महिला संबंधित कोई भी अपराध को सबसे ज़्यादा हमें चिंता की जा रही है। इसी के लिए आपका शक्ति के अंदर जो महिला हेल्प चल रहा है धीरे धीरे, महिला हेल्प डेस्क आज की डेट में एक साल से ऊपर हो चुका, पिछले साल यानी वर्ष 2020 में शुरू हुआ था शारदीय नवरात्रि में और लगातार पहले समय था वासंतिक नवरात्रि तक चला, उसके पश्चात से लगातार चल रहा है मिशन शक्ति का फेस टू चल रहा है। और आप उसकी कहाँ एक हेलो हेलो वाला है दिल्ली में, पता ही मुझे इसमें है कहीं भाई, लेकिन आप इसको जरूर देखा करो चलो साहब, अपने आज के अपने मुआयने में फीडबैक नहीं है। मैं समझा रहा हूँ पूरा ये काल, जैसे ये समस्या है 24 अगस्त को आई समस्या, आपको 24 अगस्त को उन्होंने समस्या दी, आपने इसका निस्तारण किया, निस्तारण के बाद वर्तमान में ये फीडबैक से संतुष्ट है, जो कार्रवाई हुई है संतुष्ट है या नहीं, इसको फिर समस्या आई या नहीं, इसके लिए क्या करना है आपको? इन पर फीडबैक नहीं जानी चाहिए, फीडबैक फर्स्ट जैसे मान लीजिए पहला लिया एक तारीख का, 21 तारीख को लिया, 3 बार फीडबैक मिनिमम तारीख 15 दिन कौन सी नहीं, वो 3 बार के फीडबैक को जो इवेंट आपने साहब ने कहा 3 महीने के भीतर कर दीजिए या 1.5-2 महीने के भीतर कर दीजिए, 3 महीने के भीतर आपके 3 फीडबैक जो ये स्टोर करेंगे इस तारीख को, अगर नहीं इस तारीख है फिर से उसको आगे किसी पत्रकार सत्ता अधिकारी को संपर्क करके या पुनः जो कार्रवाई की उसको सुधार होगा, इनका स्पष्टीकरण उसको जरूर।
चुनाव रजिस्टर देख रखे हैं। चुनाव रजिस्टर नहीं है, पूछ रहा हूँ है यहाँ की नहीं कहाँ गया है चुनाव रजिस्टर। किसी भी स्थिति में आपके अपने थाने पर रहना चाहिए, तो किसी भी दशा में बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, चौकी वाले को जो जरूरत है यहाँ से आकर के अपना कॉपी करेंगे, अतिरिक्त तो सूचना लाएंगे नहीं, फिर तो किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। चुनाव रजिस्टर में आपके सारे कालम एकदम क्लियर है, पहले से 20 बिंदुओं का है, आपके जो 200 बिंदु हैं इन पर कार्यवाही शुरू हो गई है। ये 20 बिंदु का जो प्रोफार्मा जो रजिस्टर जिस पर बना का कोई आपके पास नोट्स है? हाँ सर है, शुरू में लगा हुआ है एनेक्स के रूप में। ये हम लोगों ने सर मतलब टाइप करा था थोड़ा ठीक, 124 बिंदु का भी आया था तो उसको पूरा कंप्लीट करना, हम लोग 20 बिंदु पे चले सर। आप इस 20 बिंदुओं में से कितने बिंदु आपको इस समय रमाकांत याद होंगे, या मैं बोलता हूँ पूछता हूँ आप बताइएगा, एक प्रक्रिया कर ली है या नहीं? सर आपको 20 बिंदु का जो रजिस्टर है उसमें क्या किया है इन्होंने? सबसे पहले तैयार हो रहा है, अभी तैयार किया जा रहा है विधानसभा का नाम और नंबर। दो विधानसभा है सर, इसका समझ रहे हो कैसे? 389 और 390। आपके यहाँ दो विधानसभा क्षेत्र है, कौन कौन? शहर दक्षिणी 389 और कैंट 390। ठीक, तो आप समझ गए विधानसभा का नंबर वही हो गया, संख्या और नाम हो गया, मतदान केंद्र का नाम जी क्लियर है सर। मतदान शहर दक्षिणी में सर 5 मतदान केंद्र है और कैंट में 44। शहर दक्षिणी में 5 और कैंट में 44। अब मुझे बताइए मतदेय स्थल की संख्या व नंबर जी। कुल सर 205 है सर, कुल 205 है सर। और मतदान केंद्र कितने हैं? 49। मतदान केंद्र का और मतदेय स्थल का अंतर क्या है? बूथ है सर, एक मतदान केंद्र में कई बूथ हैं सर, मैक्सिमम हमारे यहाँ 11 का एक है, 10 का एक है, 9 का एक है और 19 है सर। आपकी जानकारी लगभग सही के करीब है, मतलब जो पोलिंग सेंटर्स हैं जिनको आप मतदान केंद्र कहते हो जी सर, पोलिंग स्टेशन लोकेशन, उसमें जो आपका बूथ है सर वो क्या है? मतदेय स्थल है। एक मतदान केंद्र में एक से अधिक मतदेय स्थल हो सकते हैं ठीक, मिनिमम 2 है हमारे यहाँ, मैक्सिमम और मैक्सिमम 11 का लेवल है ठीक। अब जो आपका 11 होगा वहाँ वो नेचुरल वे में हाइपर सेंसिटिव में रहेगा जी सर, क्योंकि वहाँ पर आपके 11 मतदेय स्थल होने के कारण भीड़ भी पर्याप्त होगी, अतिरिक्त फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट करना होगा और वहाँ का जो ग्राम मजरा से संबंधित अगर कहीं कोई सेंसिटिव ग्राम मजरा एक में भी जुड़ा हुआ है तो सारे उसके गाँव में पूरा सेंटर सेंसिटिव है। अगला है आपका मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहल्ला मजरे और मोहल्ले ठीक सर, कितने गांव आ रहे हैं, कौन से मोहल्ले आ रहे हैं, इनमें आपको क्या करना है? इनमें मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांव मोहल्लों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों का नाम आता है सर। मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहल्लों में रहने वाले माननीय विधायक सभासद, ये तो सूचनाओं से संबंधित है कि विभिन्न राजनीतिक दलों या सामाजिक संगठनों या जो हमारे स्वैच्छिक संगठन हैं उनके जो प्रभावशाली व्यक्ति जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं उनका नाम खत्म हो गया। इसी प्रकार से बीट आरक्षीगढ़ का नाम मोबाइल नंबर उनका आपके जो उस एरिया के राम मोहल्ला हल्का के प्रभारी गढ़ों का नंबर है, पुलिस मित्र लोगों का रजिस्टर्ड वॉलंटियर और पुलिस सहायकों का नाम मोबाइल नंबर। मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहल्लों के सीमावर्ती स्थान प्रवेश बिंदु जहां से अपराधी प्रवेश कर सकते हैं सर, जो हमारा जैसे सर यहां पे दुर्गापुर में 80 पुलिया हो गई सर, नरसाकेत नगर पुलिया हो गई सर, आपने चिन्हित कर रखे हैं चिन्हित है सर। मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले जो मोहल्ले हैं उसमें
पुलिस पिकेट कहाँ कहाँ चुनाव के दिन लगेंगे? 17 पिकेट हमने निर्धारित किया और 17 बैरियर किया है सर। आपने व्यक्तिगत रूप से जाके सब क्या मैंने एक एक किया है, सभी से बात करके जो भी चार से डिस्कस करके। और अगर हम फिजिकली आपको एरिया का भी लोकेट करने को कहें चलिए देखने को, तो आप दिखा सकते हैं? ठीक है, अच्छी बात है, हम जरूर इसको रियलिटी टेस्ट के रूप में करेंगे। मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, ग्राम मोहल्ले हैं, उनकी संवेदनशीलता का कारण क्या है? सर मिक्स पॉपुलेशन है सर, यहाँ एक जाति धर्म विशेष का माहौल है, एक धर्म विशेष के कम लोग हैं, तो सर HS ज़्यादा हैं, इस आधार पर हमने ग्रीटी भी दिखाई दिया है सर। ठीक, इस आधार पर आपने चिन्हीकरण कर लिया है? ग्राम मोहल्ले जो मतदान केंद्र के अंतर्गत आते हैं उनके उपद्रवी और असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण चल रहा है सर, इतना पहले से। किस आधार पे कैसे आप चिन्हीकरण करते हैं जरा बताएं सर? उस मतदान केंद्र के जो HS है सर, उस मजरे में मोहल्ले में वो प्रभावित करते हैं सर, और जो कुछ हुए। ये चिन्हीकरण का काम चल रहा है क्या मतलब होता है? देखो हमारे जितने भी अपराधी वो तो चिन्हित अपराधी होते हैं, आप जो अपराधी वही हैं, आपको चिन्हीकरण कहाँ से करना वो मैं बता रहा हूँ। आपका रजिस्टर नंबर 8 है विलेज क्राइम नोटबुक, वहाँ पे आप जब जाएंगे, वहाँ पर जब जाएंगे तो फिर उसकी आपको अतिरिक्त चिन्हीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। विलेज क्राइम नोटबुक में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर जितने भी उस एरिया के HS होंगे, जो भी वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का अपराध करने वाले लोग रहे होंगे, सब आप रजिस्टर नंबर 8 में पाएंगे। तो जब आप रजिस्टर नंबर 8 को उठा करके चेक कर लेंगे, अप टू डेट होगा, आई होप रजिस्टर नंबर 8 अप टू डेट है ना, अद्यावधिक है, कर लीजिए। देखिए CO साहब, इन्होंने कहा पूरी तरह अद्यावधिक नहीं है, उसको करवा लीजिए। रजिस्टर नंबर 8 ही हमारा बेसिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक होगा संवेदनशीलता के निर्धारण का। एक उदाहरण के लिए, कोई ऐसा मजरा है या ग्राम है, मोहल्ला है, या कोई भी ऐसा स्पॉट है जहां पर आपके क्राइम ऑलमोस्ट नील के बराबर रहे हैं पिछले 10 साल में, और कोई ऐसा मजरा है, मोहल्ला है या ग्राम है जहां पर आपके क्राइम लगातार अल्टर डेज या अल्टर टाइम पे होते रहे, तो दोनों की संवेदनशीलता में जमीन आसमान का अंतर होगा। अगर आप रजिस्टर नंबर 8 को अद्यावधिक करके उसमें चेक कर पाएंगे तो लाभ ये होगा कि रजिस्टर नंबर 8 के आधार पर जहां पर बॉडी ऑफेंस से संबंधित या जो क्रिमिनलिटी से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से संबंधित ज्यादा एक्टिविटीज दर्ज होंगी उसमें, वहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से पहले ही विधिक कार्रवाई कर लेंगे। क्या विधिक कार्रवाई करेंगे? निरोधात्मक कार्रवाई, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, 110G, HS खोलना, गैंग पंजीकृत करना, 107, 116 की कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो 117 के ऑर्डर के साथ समाप्त हो जिसमें वो एक्चुअली पाबंद हो रहा हो, ये सारी कार्रवाई आप तभी कर पाएंगे जब आप रजिस्टर नंबर 8 को अद्यावधिक कर लेंगे। रजिस्टर नंबर 8 अद्यावधिक क्यों नहीं है इसका भी स्पष्टीकरण देते हुए इसे अगले एक सप्ताह में पूर्ण कराएंगे सर। किसी प्रकार से मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहल्ले में जो HS रह रहे हैं उनका आपने अभी बात हो गई डिटेल हम लोगों की HS पे, इसके अंतर्गत जो पंजीकृत अभियोग हैं पिछले चुनावों में, लोकसभा निर्वाचन 2019, विधानसभा चुनाव 2017 या बाई इलेक्शन उप निर्वाचन बीच में हुए हों, इसमें मैं कहूँगा आप उससे संबंधित क्या पोजीशन है आपको देखना है। चार्जशीट लगी है, न्यायालय में तलब ट्रायल पेंडिंग है सर। ट्रायल पेंडिंग है तो वो लोग जमानत पे हैं या बाहर हैं? सर जमानत, जमानत पे हैं तो उनको 117 में पाबंद, भारी मुचल के पर 117 में पाबंद कराएंगे, 107 की कार्रवाई जारी हो रही है, आप फॉलो अप करके 117 पे कराइए। आपके एसपी साहब भी काम कर रहे हैं, इस बार भी चुनाव लड़ने की संभावना है, चुनाव के दौरान जो भी 116 और 151 और उसके अलावा जो कार्रवाई उस वक्त हुई अंतिम दिनों में हुई उसमें विशेष ध्यान दें। अब हम आपको बहुत ब्रीफ कर रहे हैं इसमें, आपको 107 116 का प्रवीण इसको आप अपने पूरी सर्किल में कराइए। 107 116 की कार्रवाई आपको 117 में ही फिनिश करानी है,
आपको फॉलो अप करके 117 का ऑर्डर आपके संबंधित एसीपी साहब की कोर्ट से हो जाए। दूसरे सामान्य विधानसभा चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019 और उप निर्वाचन इसके बीच में कोई हुई हो बाई रास्ते, यहां तक कि अगर आप चाहें तो कवर लोकसभा चुनाव 2014 भी कर सकते हैं। इसके दौरान जो हिंसा हुई रही हो कहीं भी उसके संबंधित, और उसको भूल जाए, हिंसा पर तो कार्रवाई आप करेंगे करेंगे, आपके रजिस्टर में। इसके अतिरिक्त इन चुनावों के बीच में उस ग्राम में, उस मजरे में, उस मोहल्ले में जो भी अपराध दर्ज हुआ हो बॉडी ऑफेंस से संबंधित, किससे? बॉडी ऑफेंस से संबंधित, यानी कि हमारे आईपीसी के जो 323, 324, 325, 326, 327, 302, 304, 307, 306 जो भी बॉडी ऑफेंस से संबंधित है हमारे, ये सारे आपको क्या करने हैं, इनको देख लेना है। इवन आपको इसमें एनसीआर और एफआईआर दोनों को मिला लेना है। इसके आधार पर आपको एक्चुअल किन को पाबंद करना है आपको मिल जाएगा। अगर मान लो किसी के खिलाफ एनसीआर ही दर्ज है लगातार चार बार मारपीट और चार बार दर्ज है चार साल में, तो इसका मतलब ये है कि उसका एक इतिहास है, भले मेजर तरीके से कोई विवाद नहीं हुआ लेकिन वो दूसरों से उलझने का आदि है। ऐसे व्यक्ति को 117 में 100% आपको पाबंद रखना है। अथवा ये लगता है कि ये व्यक्ति करेगा ही करेगा ऑफेंस, तो आपको गुंडा एक्ट में जिला बदल कर देना है ताकि वो चुनाव के दिन रहे ही। तो आप ये एक्सरसाइज अपने रजिस्टर्स के अपडेट के साथ साथ और पीछे के रिकॉर्ड्स को मैच करते हुए उसमें आपका एनसीआर भी काम करेगा। सर गुंडा एक्ट में जो कार्रवाई हुई सर इसमें आगे कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सर नोटिस नहीं निकल पा रहा। नोटिस निकलने के लिए इसमें हम मतलब एनश्योर कर रहे हैं, बहुत जल्दी सीपी सर ने कहा है कि अब हम लोगों की कोर्ट फंक्शनिंग हो जाएगी। अभी तक कोर्ट फंक्शनिंग में कुछ तकनीकी बाधाएं थी वो दूर हो रही हैं, बहुत जल्दी नोटिस के साथ साथ सारी कार्रवाई भी विद इन टाइम सब पूरी हो जाएगी। कोर्ट बंद करके लगभग तैयार है, एनी टाइम सीपी सर उद्घाटन करके कोर्ट शुरू करा दें, कार्रवाई सब होगी, आप सुनिश्चित रखिए। लेकिन वो कार्रवाई वहाँ के स्तर पर लंबित है, ये कोई बहाना नहीं है। पहले आप जितने चिन्हीकरण की कार्रवाई है वो कर लें, वो कार्रवाई जब शुरू होगी तो गति के साथ स्पीड के साथ जितने को आप भेजे रहेंगे चुनाव के पहले गुंडा एक्ट में जिनको भी आप प्रपोज करेंगे, सतही तौर पर नहीं प्रपोज करना है, ये भी ध्यान देखना है कि आपको गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करनी है। गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई का मतलब ये है कि जो गुंडा एक्ट में जिनके ऊपर प्रपोज करो ठोस आधार भी रहे कि वो उनका क्षेत्र में आतंक है और वाकई वो मतलब उसकी कैटेगरी को पूरा करते हो, जिससे कार्यवाही केवल संख्यात्मक ही न हो बल्कि गुणवत्तापूर्ण हो। दूसरे किसी भी दशा में ऐसी स्थिति ना हो कि बहुत सामान्य व्यक्ति पर तो किसी पर कर दिया और जो वाकई गुंडा है उसको छोड़ दिया, ये स्थिति कतई ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सीधे सीधे इंटीग्रिटी से लेकर के विभागीय जांच का विषय होगा और कार्रवाई होगी। कार्रवाई आपको उन पर करनी है जो वाकई उसके लिए विचरण करते हैं, और ये कार्रवाई हमको समयबद्ध तरीके से बढ़ाते रहना है, करते रहना है। हाँ, गुंडा एक्ट में भी 107, 116 में भी सब में मैं एक चीज के लिए वार्न कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बूढ़े बच्चे या महिलाएं इसके अपवाद होंगे, बूढ़े बच्चे महिलाओं पर नहीं लगेगा किसी भी रूप में। बहुत बार ऐसा होता है कि पीछे के रजिस्टर को उठा करके पुलिस की ओर कार्रवाई कर देती है, पीछे के रजिस्टर को देखा वही कार्रवाई कर देती है। जब वेरिफिकेशन किए बिना आप पिछली बार जिन पर गुंडा एक्ट लगा था उन पर कार्रवाई कर देंगे तो उसी बीच में ड्यूरेशन में हो सकता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में ही ना हो और फिर अचानक समाचार पत्रों में पुलिस के लिए एम्बरेसिंग खबर बनती है कि मृतक पर लगा गुंडा एक्ट या मृतक को पाबंद किया। ये प्योर रूप से तभी होता है जब आप जमीनी एक्सरसाइज न करके केवल थाने में रखे गए पीछे के रजिस्टर को चेक करके मुंशी के सहयोग से कार्रवाई पूरा करते हैं, यानी कागजी खाना पूरी करते हैं। ऐसी कोई कार्रवाई गलती से भी हुई तो पक्का जानिए कि विभागीय कार्रवाई दंड एकदम से तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप फील्ड विजिट करें, जितना ज्यादा आप अपने केवल रजिस्टर पर भरोसा करेंगे, केवल रजिस्टर पकड़ करके बैठे रहेंगे या फील्ड में नहीं जाएंगे तो ऐसी स्थितियां होने के चांस नहीं। फील्ड में जाएं, जिस गांव में जाएं या मजरे मोहल्ले में जाएं वहां का रजिस्टर नंबर 8 लेकर के जाएं। अगर आप कहीं पेट्रोलिंग के लिए गए किसी मजरे में तो रजिस्टर नंबर 8 वहां का उनकी गाड़ी में हो,
क्लाइव फील्ड में ये देख लें वहाँ का एचएस कौन है, उसकी चेकिंग हो जाए। रजिस्टर नंबर 8 में उस गांव के एचएस का भी उल्लेख होता है जी। आपके पास रजिस्टर नंबर 8 गया, इसका मतलब कि आपका एक प्रकार से ये लिटमस टेस्ट करने के लिए सब कुछ आपके पास उपलब्ध है। ये आपकी चुनाव की बहुत ठोस कार्रवाई होगी। जिस मोहल्ले में गए वहां कर दिया, लाइसेंस भी कितने हैं उस मोहल्ले के ये भी उसमें उल्लेख रहता है। आप लाइसेंस भी जमा कराते हुए चले आए वहां पर उसी मोहल्ले, यानी कि आप केवल रजिस्टर नंबर 8 लेकर के गए तो आप अपने एचएस को चेक कर ले रहे हैं, आप लेकर के चले आ रहे हैं अपने लाइसेंसी अफसरों को जमा कराने की प्रक्रिया है वो भी करा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ उसमें जो वांछित हैं उनका भी उल्लेख रहता है, क्राइम में कौन वांछित है, कौन वहाँ पे विवेचना में किसकी पेंडिंग है, किस रूप में जो भी या किसको नोटिस समन या NBW आपको तावीज़ा कराना है ये आपके पास है। ये सारी प्रक्रिया आपकी उचित रहती है, मतलब DCNB में विलेज क्राइम नोटबुक जिसको हम रजिस्टर नंबर 8 कहते हैं, जहाँ मोहल्ला है वहाँ मोहल्ला क्राइम नोटबुक उसको कहेंगे। तो इसको लेकर के आप निकला करिए रमाकांत, और साफ सफाई की स्थिति बहुत अच्छी रख पाइए। SCP साहब बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई की स्थानों पर रख पाइए। अब हम लोग को एक आध सेंटर देख लें, आए कोई सेंटर दिखा सकते हो जो 11 बूथ वाला सेंटर है आप बता रहे हो कोई कहाँ पर है? बंगाली टोला, नाम बताओ उसका। बंगाली टोला सेंटर का है, चलिए लेकर चलिए। वहाँ पर मेला लगा हुआ है, किस चीज़ का मेला? आप चलिए निकलिए।